कानपुर देहात में महिला ने ग्राम प्रधान व कानूनगो पर लगाए गंभीर आरोप। महिला ने बताया, पूर्व प्रधान ने आवास के लिए उसके देवर छुट्टू पुत्र तेजपाल व सास सागरवती पत्नी तेजपाल को दी थी जमीन। महिला ने बताया, लगभग 60 वर्ष से उक्त जमीन पर कबीजदार है और दीवाल खड़ी है। मकान गिरने के बाद मकान का दोबारा निर्माण करवा रही है। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान ग्राम प्रधान नरसिंह यादव ने चुनावी रंजिश मानते हुए कानून को अनिल कुमार के साथ साठ गांठ करके मकान के पिलर गिरवा दिए। महिला संतोषी देवी अपनी बेटी व पति सहित देवर के साथ शिकायती पत्र लेकर कोतवाली पुलिस से शिकायत की। संतोषी कहाँ रहते हैं? कसमड़ा। आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? शिकायत तहसील में आए। किस बात की? नरसिंह प्रधान ने मेरे मतलब वोट नहीं हमने दिए, इसलिए मेरे खम्भे गिरा दिए। अरे हम भी नेता नगरी जानते हैं, हम भी गुंडागर्दी जानते हैं, इसलिए मेरे साथ ये किया है, जबरदस्ती मेरे खम्भे गिरा दिए बिना कानून बगैर कानून की कानून भी था। और कौन गया था? अनिल कुमार। अनिल कुमार ये कौन है? ये कानून है, कोई कानून है। तो इसके बाद आपने शिकायत आज की, क्या आश्वासन दिया गया? शिकायत तो हमने दो तीन बार करी है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पैसा कब्जा तुम लोगों ने न्यू जगह पे कब्जा किया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।